उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी। उनका कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्कसंगत नहीं समझा जाता था। मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। जल्द ही एक MOU यानी समझौता ज्ञापन करने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पारंपरिक भाषा के रूप में अरबी शिक्षा का भी ज्ञान उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में दिया जाएगा। अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि यदि मौलवी को ठीक से संस्कृत पढ़ा दी जाए और पंडित को ठीक से अरबी पढ़ा दी जाए तो दोनों समुदाय के बीच में कई सारे मसले अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश के सभी समुदायों का सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेकर एक साथ लाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इससे सामाजिक सौहार्द में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जी, आपसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मदरसा बोर्ड एक सिलेबस उसने तैयार किया है और वो सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर संस्कृत भी है एक सब्जेक्ट के तौर से, और वो ऑप्शनल है, ऑप्शन के तौर से है, हमने उसे थोपा नहीं है। मगर हमारी कोशिश उसमें ये है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इस प्राचीन भाषा से जैसे परिचित होंगे तो आने वाले समय में उन्हें अपनी सभ्यता को, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समझने में बहुत इसमें बल मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल अलग अपनी पहचान रखता है। ये सूफी संतों का और तपस्वियों का एक स्थली है, देवभूमि है। और इसके मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे आचरण को जीते हैं कि जो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ें जिन्हें 60 साल से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग रखा।